फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऑब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल है आई शॉल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आई शॉल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो इसमें मैं मेरा काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो कैसे सवाल पूछ के देखते हैं, आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो कैसे सवाल पूछेंगे, मैं क्या पूरा कर चुका होऊंगा, तो क्या आएगा आंसर, मेरा काम। तो मेरा काम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लिख लेंगे ऑब्जेक्ट माय वर्क। उसके बाद में वर्क एक ही है तो विल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद है बीन, उसके बाद में V3 क्या है तो कंप्लीटेड। हम लोगों को ऑलरेडी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए मतलब परफेक्ट टेंस है तो ऑलरेडी V3 ही मिलेगा, हम लोगों को कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कंप्लीटेड बाय, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इन होम ऑन रोड वगैरह वगैरह, तो बाय और बाय के बाद में आई की नॉमिनेटिव केस जो है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, माय वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, मतलब मेरा काम पूरा हो चुका होगा मेरे द्वारा। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, शी विल हैव ब्रोकन ग्लासेस, शी विल हैव ब्रोकन ग्लासेस, तो इसका वह कांच या फिर ग्लासेस को चश्मा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे कांच, बहुत सारे कांच, तो वह कांच तो तोड़ चुकी होगी, तो वह क्या तोड़ चुकी होगी, तो कांच, तो ये ग्लासेस, तो ग्लासेस हम लोग ऑब्जेक्ट है इसलिए सामने लेंगे, ग्लासेस बहुत सारे हैं, तो शॉल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में V3 का है ब्रेक का ब्रोकन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो सेंटेंस कैसे बना, Glasses shall have been broken by her. Friends, आपको अगर ये S2 क्या है ये मालूम नहीं है, shall will कहाँ पर लगा है ऐसा मालूम नहीं है, तो आपको मेरे पिछले वाले वीडियोस देखने चाहिए, उससे आपको पूरा इसका नॉलेज हो जाएगा, इसका प्रॉपरली shall will का इस प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करें और ये S2 क्या होता है। तो ये मैंने आपको मतलब आपको कम से कम दो वीडियो तो ज़रूर देखनी चाहिए। पहले जो मतलब वॉइस की शुरुआत की है मैंने, वॉइस को कैसे मतलब प्रॉपरली की जाए, तो episode 1 आप लोग जरूर देखिए वॉइस का। उसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस भी आप जरूर देखिए, इसमें आपको शॉल विल का इस्तेमाल और S2 क्या है ये सब समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, अभी हम लोग लेंगे ऐसे एग्जांपल्स जिनमें कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ही विल हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन टू अस, वह हमें सवाल पूछ चुका होगा। तो सबसे पहले कैसे सवाल पूछते हैं, वह हमें क्या पूछ चुका होगा, आंसर मिलेगा अ, यहाँ पर मिलेगा अ क्वेश्चन मतलब सवाल। तो ये क्या है, कैसे सवाल पूछा, आंसर जो मिलता है उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे सवाल पूछेंगे, वह किसे सवाल पूछ चुका होगा, आंसर क्या मिलेगा हमें, तो हमें क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ क्वेश्चन, उसके बाद में एक ही क्वेश्चन है तो विल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है आस्क, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने आगे लिया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा हमें जोड़ना है, टू अस, उसके बाद बाय क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और बाय के बाद में ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो सेंटेंस कैसे हुआ, अ क्वेश्चन विल हैव बीन आस्क्ड टू अस बाय हिम। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करते हैं, हम लोगों को पता है अस ये मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है तो अस है, लेकिन नॉमिनेटिव केस में हम लोगों को चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही आता है, तो अस की नॉमिनेटिव केस है वी, वी के बाद लगता है शॉल, उसके बाद लगता है हैव मतलब स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बिन, उसके बाद V3 क्या है तो आस्क, हम लोगों को आस्क के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन Asked a question, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट के बाद लिखते हैं हम लोग बाय, और बाय के बाद में ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो सेंटेंस कैसे बना, वी शॉल हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम। इस सेंटेंस में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, मतलब हमसे सवाल पूछा जा
चुका होगा उसके द्वारा। इस सेंटेंस में मतलब सवाल पूछ जा चुका होगा, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मतलब इस ये सवाल को इस सेंटेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसमें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन ये क्या है, दोनों भी ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों को मालूम है ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस जब भी देना होता है तभी हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। सचिन विल हैव रिटन अ लेटर टू रोहित, मतलब सचिन रोहित को लेटर लिख चुका होगा। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिलेंगे। पहले क्या से सवाल पूछते हैं, सचिन विराट को क्या लिख चुका होगा, आंसर मिलेगा अ लेटर। क्या से सवाल पूछा, आंसर मिला, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे से सवाल पूछेंगे, सचिन किसे खत लिख चुका होगा, तो आंसर मिलेगा रोहित को। तो रोहित क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेते हैं और लेटर, अब लेटर एक ही है तो चार विल में से विल, उसके बाद में हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद वी3 क्या है रिटर्न, उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू रोहित वो जैसा का वैसा लिखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में जो ऑब्जेक्टिव केस है तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो नाउन है अगर प्रोनाउन रहा तो उसके ऑब्जेक्टिव केस हम लोग लेते हैं, लेकिन नाउन रहा, अगर प्रोनाउन रहा तो उसके ऑब्जेक्टिव केस हम लोग लेते हैं, लेकिन अगर नाउन रहा तो नाउन जैसा का वैसा हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सचिन। तो सेंटेंस कैसे बना, अ लेटर विल हैव बीन रिटर्न टू रोहित बाय सचिन, मतलब खत लिखा जा चुका होगा रोहित को सचिन द्वारा, मतलब खत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस सेंटेंस पे। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं है क्या, तो इसमें है क्योंकि सचिन किसे खत लिख चुका होगा, तो आंसर मिला हमें रोहित। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रोहित है आगे लेंगे, तो रोहित एक ही है सिंगुलर नाउन है तो विल, उसके बाद में हैव, रोहित विल हैव, उसके बाद है बीन, उसके बाद वी3 है रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, तो रिटर्न, उसके बाद में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों को लिखना पड़ेगा जैसा का वैसा लेटर, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोग लिखते हैं बाय, और बाय के बाद में जो नाउन है मतलब सब्जेक्ट सचिन वो जैसा का वैसा लिख लिया। सेंटेंस कैसे बना, रोहित विल हैव बीन रिटर्न अ लेटर बाय सचिन, मतलब रोहित को लेटर लिखा जा चुका होगा। ऑब्जेक्ट जो है रोहित उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल हैव टेकन अ ब्रेक, दे विल हैव टेकन अ ब्रेक, वह ब्रेक ले चुके होंगे, वह क्या ले चुके होंगे, तो क्या अ ब्रेक, तो अ ब्रेक क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे अ ब्रेक, अब एक ही ब्रेक है तो विल, उसके बाद में हैव स्ट्रक्चर में है, उसके बाद है बीन, उसके बाद वी3 है टेकन, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम, मतलब ब्रेक लिया जा चुका होगा उनके द्वारा, अ ब्रेक विल हैव बीन टेकन बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शॉल हैव शोन एन एक्रोबैट प्ले टू हर, मतलब हम उन्हें एक्रोबैट का जो खेल होता है वह दिखा चुके होंगे। एक्रोबैट मीन्स डोंबारी, मतलब जो लोग घूमते हैं, सांप का खेल दिखाते हैं, मतलब मंकी का खेल दिखाते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्रोबैट। अब हिंदी में उसे क्या कहा जाता है एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो हम लोग उसे क्या दिखा चुके होंगे, तो एन एक्रोबैट प्ले, मतलब डोंबारी का खेल। तो ये क्या है एक्रोबैट प्ले, ये है ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा एन एक्रोबैट प्ले, अब एक ही खेल है तो विल, उसके बाद में हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर वाइज हम लोग लिख रहे हैं बिन, उसके बाद वी3 क्या है शोन, उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, एलिमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में ये वही का ऑब्जेक्टिव केस है अस। तो सेंटेंस कैसे हुआ, एन एक्रोबैट प्ले विल हैव बीन शोन टू हर बाय अस। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लोग लेंगे, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लेंगे। अब ये हर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, तो है, क्योंकि हम लोग सवाल पूछ के देखते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, हम उसे मतलब एक्रोबैट प्ले दिखा चुके होंगे, तो हम किसे एक्रोबैट प्ले दिखा चुके होंगे, तो आंसर मिलेगा उसे। तो ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हर क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर जब भी हमें लिखना होता है तो हम लोगों को नॉमिनेटिव केस में लिखना पड़ता है। तो हर की नॉमिनेटिव केस है शी, तो शी के बाद लगता है विल स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव,
उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद में V3 क्या है शोन, उसके बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एन एक्रोबैट प्ले हो जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा एन एक्रोबैट प्ले। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, अब बाय के बाद में ये वी जो है प्रोनाउन उसका मतलब उसके ऑब्जेक्टिव केस, तो वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस। तो सेंटेंस कैसे बना, शी विल हैव बीन शोन एन एक्रोबैट प्ले बाय अस, मतलब उसे मतलब एक्रोबैट प्ले दिखाया जा चुका होगा, मतलब उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सेंटेंस में दिया गया है, वो क्या है ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, विराट विल हैव ईटन एन आइसक्रीम, विराट आइसक्रीम खा चुका होगा, तो विराट क्या खा चुका होगा आइसक्रीम, उसके बाद में एक ही आइसक्रीम है, उसके बाद में एक ही आइसक्रीम है तो विल, उसके बाद में हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 क्या है ईटन, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, अब जो नाउन है विराट हो जैसा का वैसा लिख लेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, एन आइसक्रीम विल हैव बीन ईटन बाय विराट। नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल हैव वन द गेम ऑन ग्राउंड, मतलब वह मैदान पर खेल जीत चुके होंगे, तो वह मैदान पर क्या जीत चुके होंगे तो खेल द गेम, तो ऑब्जेक्ट द गेम हम लोग आगे निकाल लेंगे, तो द गेम मतलब एक ही गेम है, गेम्स होता तो बहुत सारे होते और यहाँ पर सिंगुलर है तो इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में है बीन, उसके बाद है V3 वन, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में है ऑन ग्राउंड वन ऑन ग्राउंड, नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में बाय, अब दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा पर्सनल प्रोनाउन वाला जो वीडियो है वो जरूर देखिए, इसमें मैंने आपको डिटेल में पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होती है, कैसे लिखते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो बताया है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप जाकर मेरी पर्सनल प्रोनाउन वाली वीडियो जरूर देखिए। यू विल हैव स्टोलन पेंस फ्रॉम हर बैग, यू विल हैव स्टोलन पेंस फ्रॉम हर बैग, मतलब तुम उसकी बैग में से पेंस चुरा चुके होंगे, अब तुम उसकी बैग में से क्या चुरा चुके होंगे तो पेंस, तो पेंस क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पेंस बहुत सारे हैं, तो शॉल पेंस शॉल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में है बीन, स्ट्रक्चर वाइज हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद V3 क्या है स्टोलन, उसके बाद फ्रॉम हर्ष बैग, फ्रॉम हर बैग क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग लिख लेंगे तो फ्रॉम हर बैग, उसके बाद में बाय और बाय के बाद यू के ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहती है, तो सेंटेंस कैसे बना, पेंस शॉल हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बैग बाय यू। अभी हम लोग लेंगे एक आखिरी वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको ओरली बताऊंगा, मैं वीडियो बना चुका होऊंगा या फिर मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना चुका होऊंगा, तो सेंटेंस कैसे होगा, आई शाल हैव मेड वीडियोस फॉर यूट्यूब, सेंटेंस कैसे होगा, अ वीडियो एक है तो विल, अ वीडियो विल हैव बीन मेड फॉर यूट्यूब बाय मी। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी आप हिट कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस जब भी मैं कभी डालूं तब आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।